हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये जो वैकेंसीज हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दैट इज़ हाउ टू बिकम अ फोरेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सो उसी से रिलेटेड उसी की तरफ एक फॉरवर्ड स्टेप रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने सो so, उन्ही से रिलेटेड कुछ यहाँ पर ये यह वैकेंसीज होने वाली हैं ठीक है तो अभी हम बात कर लेते हैं उन वैकेंसीज़ के बारे में सो so, ये जो वैकेंसीज है बेसिकली एस एस सी सी जी एल ट्वेंटी ट्वेंटी के थ्रू आई हैं एंड यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं आई बी सी बी आई एन आई ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एंड इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज हैं यहाँ पर ये यह जो आपका आईबी है ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है सीबीआई का मतलब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनआईए का मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सो इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ वैकेंसीज होने वाली हैं एंड अभी हम बात कर लेते हैं इन सारी की सारी वैकेंसीज के बारे में सो so इसीलिए अभी हम चलते हैं जो एस एस सी का नोटिफिकेशन है वहाँ पर सो so अभी हम आ चुके हैं एस CGL 2020 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ऑनलाइन एप्लीकेशन so का वो आपका ट्वेंटी दिसंबर से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट जो है आपकी वो थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी रहने वाली है ठीक है तो इसका बहुत खास ख्याल रखिएगा कि थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी आपकी लास्ट डेट है तो यहाँ इस डेट से पहले पहले आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना होगा इसके अलावा लास्ट डेट है एंड जो टाइम है फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका थर्टी फर्स्ट जनवरी ही है एंड जो आपका ऑनलाइन फी पेमेंट है उसके लिए लास्ट डेट आपकी सेकेंड फेब है साथ में जो आपका अगर जनरेशन होगा ऑनलाइन चालान का वो उसकी लास्ट डेट फोर्थ ऑफ तो फेब है एंड जो आपका लास्ट डेट है पेमेंट थ्रू चालान अगर आप चालान से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट आपकी सिक्स फरवरी है ठीक है इसके अलावा ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन करने के लिए डेट्स क्या क्या लास्ट डेट्स हैं एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं जो आपका टीयर वन का एग्जाम होगा बेसिकली यहाँ पर तीन टीयर्स में एग्जाम होने वाला है एंड कुछ केसेज में यहाँ पर फोर्थ टीयर भी कर, कंडक्ट करवाया जाने वाला है ठीक है सो तो सबसे पहले अगर जो यहाँ पर टीयर वन होने वाला है वो बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ट्वेंटी नाइन्थ मई से लेकर के सेवेंथ ऑफ जून इन दोनों के बीच की डेट्स में कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है ठीक है इसके क्वालिफाई करने वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे दैन उनका टीयर टू का एग्ज़ाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि उसके बारे में बाद में नोटिफाई किया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा ठीक है सो ये हो गया आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर जो आपके सामने वैकेंसीज हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो स्पेशली जो आईबी है सीबीआई है नारकोटिक्स ब्यूरो है मतलब कि जितनी भी फोरेंसिक से रिलेटेड जॉब्स हो सकती हैं जो कि आपके फर्दर फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होने वाली हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड बाकी की वैकेंसीज़ के लिए अगर आप चाहें तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है so सो यहाँ पर जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है जॉब्स का वो यहाँ पर पे लेवल के अकॉर्डिंग है जो आपका पे लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है तो यहाँ पर अभी हम मूव कर जाते हैं नीचे की तरफ एंड यहाँ पर पे लेवल सेवन में आपकी आईबी का रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर नोटिस है ठीक है सो यहाँ पर जो पे स्केल है वो आपका सेवन का है एंड जो पे स्केल आपकी रहने वाली है फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड से लेकर के वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड के बीच का आपका जो पे होगी वो होने वाली है ठीक है एंड यहाँ पर जो आपकी नोटिफिकेशन है जो आपका रिक्रूटमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो में है दैट मीन आई में है एंड यहाँ पर जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी में आपका क्लासिफिकेशन है इस पोस्ट का इस पोस्ट के लिए जो फिजिकली हैंडी कैप्ड या फिर जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड नहीं होंगे एलिजिबल नहीं होंगे इनके लिए एंड यहाँ पर जो एज लिमिट है वो थर्टी ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये हो गया आपका आई के बारे में एंड यहाँ पर काफ़ी सारी भी और भी वैकेंसीज हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सी बी आई के भी में रिक्रूटमेंट है सी बी आई में जो है आपका सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है एंड यहाँ पर जो आपका एज लिमिट है वो ट्वेंटी से थर्टी इयर्स का होना चाहिए एंड यहाँ पर भी जो फिज़िकली हैंडी फिर फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं ठीक है एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर और भी सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में है इंस्पेक्टर की पोस्ट है एंड यहाँ पर भी जो आपका एज लिमिट है वो थर्टी ईयर्स से, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है एंड यहाँ पर भी आपका थर्टी ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड ये सारे के सारे जितनी भी पोस्ट हैं वो फिज़िकली हैंडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो सारे के सारे कैंडिडेट्स इन सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं हैं बाकी की जो आपकी पोस्ट हैं उनमें यहाँ पर वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं ठीक है तो so ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका पे लेवल फाइव है सो पी एवल फाइव में आपका ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड से लेकर के नाइन्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड के बीच में आपका हो सकता है एंड यहाँ पर आपकी फोरेंसिक से रिलेटेड आई बी सी बी आई नार्कोटिक्स ब्यूरो से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो इसी वजह से हम आगे मूव कर जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एंड वापस से वही है कि पोस्ट नॉट आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स ठीक है एंड ये जो आपकी पोस्ट है ये पे लेवल फोर की है एंड यहाँ पर जो आपका अर्निंग होने वाली है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर के एटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड के बीच का आपका होगा ठीक है तो यहाँ पर इतनी सारी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं इंस्पेक्टर्स सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की सो तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं एंड यहाँ पर अभी हम आगे मूव कर जाते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो so बेसिकली यहाँ पर जो आपका जितने भी फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे बेसिकली जो आई में है तो वहाँ पर तो आप एलिजिबल नहीं होंगे लेकिन आप किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग ये पूरा देख सकते हैं ठीक है एंड यहाँ पर बेसिकली वही सारा कुछ दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा एंड अभी हम आगे मूव कर जाते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली हम बात कर लेते हैं जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सो so यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज सो यहाँ पर अगर हम बात करें जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो अभी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज बताई गई हैं वो टोटल हैं आपकी सिक्स फाइव जीरो सिक्स वेकेंसीज़ हैं ग्रुप बी के डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपकी टू फिफ्टी गजटेड वैकेंसीज़ हैं एंड नॉन गजटेड की बात करें तो यहाँ पर थ्री फाइव वन थ्री वैकेंसीज़ हैं एंड ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं वहाँ पर आपकी टू सेवन फोर थ्री पोस्ट है तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर होने वाला है अगर आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये आपके सामने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ठीक है सो ये तो हो गया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली आपका जो सिटीजनशिप होती है वो किस तरह से होती है सभी को पता होता है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं ठीक है एंड यहाँ पर अगर हम ऐज की बात करें जो वहाँ पर एज बताई गई थी कि आपके थर्टी ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर्स के बीच में होनी चाहिए थी तो उसको यहाँ पर पूरी तरह से क्लासिफाई किया हुआ है कि किस डेट से लेकर के कि किस डेट तक आपका वो चीज़ मानी जाएगी ठीक है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो भी आपका एज लिमिट होगी वो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं जो भी आपकी बर्थ ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा का पूरा आप इस तरह से मैच कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर देंगे ठीक है so, तो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके एस सी एस टी ओ बी सी फिजिकली हंडी कैप्टे आपके जनरल हैं ओ बी सी हैं एस सी एस टी हैं इनके लिए जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो आप उसको देख सकते हैं बेसिकली बहुत सारे कैंड कैटेगरीज़ में यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी में आप होते होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन है वो हो जाएगा फिर यहाँ पर जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए जो आपका अलग अलग एज का क्राइटेरिया है तो वो यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है तो आप उसको देख लेंगे ठीक है एंड अभी हम नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं सो so बेसिकली यहाँ पर आपके जो प्रोसेस होगी सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट होगा सर्टिफिकेट का वो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप अगर एस सी एस टी ओ बी सी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स या फिर एक्स सर्विस मैन है तो उस कंडीशन में जो आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे तो उनका किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए तो वो यहाँ पर बताया गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं बेसिकली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म का एप्लीकेशन होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो इस वजह से इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पर आपका जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो अलग अलग आपका जॉब के लिए अलग अलग मांगा गया है बेसिकली यहाँ पर जितनी भी तरह के आपकी जॉब्स हैं जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं वो सारी के सारी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर्स डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ठीक है सो यहाँ पर जिस भी आप अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है तो उस कंडीशन में आप इन सारी की सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपका डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो वो ऑप्शनल है अगर नहीं भी होगा तो भी इतना कोई आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है ठीक है सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके सामने क्वालिफ़िकेशन है तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री कम्प्लीट होनी चाहिए अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं एंड द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ दियर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई मतलब जो आपके लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं हावेवर दे मस्ट हैव इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब जो अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन चल रहा है वहाँ तक आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए लेकिन फिर भी जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो सारे के सारे इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे ठीक है सो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव कर जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है सो so, आप इसको देख सकते हैं इट इज़ रिटी रिटायरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड

तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर विज़िट करेंगे वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा सीधे से एस एस सी का एस एस सी का जो वहाँ पर वहाँ पर लिखा होगा तो वहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक पेज खुल कर आएगा तो वहाँ पर ऊपर काफ़ी सारी लाइंस लिखी होंगी एंड उसी में सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर दो जगह एक जगह लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन तो वहाँ पर इसके जस्ट पास में ही एक जगह लिखा होगा लॉग एक जगह लिखा हुआ होगा क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ठीक है सो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है तो आपको लॉग इन कराना होगा अगर आपने एस एस सी में अभी तक एक बार भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको वापस से पूरी की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करनी होगी तो इस वजह से आपको पूरा का पूरा नया फ्रेश फॉर्म फ़िल करना होगा एंड उसके बाद में आप उस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म फ़िल कर सकते हैं ठीक है so, सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से भी जाकर कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी आप जाकर कर सकते हैं आपको दोनों का ही लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं ठीक है सो so, ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव कर जाते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है एंड यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी द फोटोग्राफ़ शुड नॉट बी मोर देन थ्री इयर्स मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड ठीक है सो तो जो आपके यहाँ पर आप फोटो लगाने वाले हैं वो फोटो ऐसा नहीं चलेगा कि आप पुरानी को भी फ़ोटो लगा देंगे जो फ़ोटो आपकी लगेगी वो आपकी जो नोटिफिकेशन आई है उससे थ्री मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए तो इसी वजह से आपको नई ऐप को फोटो क्लिक करवानी होगी एंड उस फ़ोटो के नीचे जिस डेट को आपकी फ़ोटो खींची है उस डेट का वहाँ पर लिख लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर जो आपकी इमेज का डायमेंशन है वो लिखा हुआ है थ्री आपकी वर्थ होनी चाहिए एंड फोर सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए ये आपका फोटो का साइज होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे देन उसके बाद में आप इन सारी की सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर देंगे ठीक है उसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन इन और फेल्योर टू लॉग इन दू एस एस सी वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज बेसिकली जो आपकी एस की वेबसाइट होती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है लास्ट के टाइम पर तो इसी वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके लिए अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि अगर आपने लास्ट कि लास्ट में बिल्कुल अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ओपन ना हो तो इस तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो इसी वजह से पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम में रश हो जाता है बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है कि आप इस वेबसाइट कई बार ओपन भी नहीं होती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं इस वेबसाइट पर तो इसी वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा लास्ट मोमेंट का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करिएगा ठीक है सो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ पर जो आपकी फीस रहने वाली है वो है आपकी हंड्रेड रुपीज़ एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी पर्सनस विद डिसबिलिटीज़ एक्स सर्विस मैन उनके लिए ये जो फीस है वो पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अ फ़ी ठीक है इसके अलावा फ़ी कैन बी पेड फ्रॉम ऑनलाइन आप ये सारे थ्रू इस सारे मोड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एंड ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाई कैंडिडेट्स बिफोर सेकेंड फेबररी से पहले आपको पे जो फ़ीस है उसको सबमिट कर देना है एंड जो भी कैंडिडेट्स ऑफलाइन करना चाहते हैं कैश पेमेंट करना चाहते हैं चालान के थ्रू तो वो चालाना एस बी का यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह से आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं बेसिकली इतनी वुमेन कैंडिडेट्स हैं एंड ये सारे कैटेगरी में आते हैं तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को वैसे भी कोई भी फ़ीस का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है एंड बाकी जो लोग एलिजिबल हैं फ़ीस का पेमेंट करने के लिए उनका जो फीस होगा वो हंड्रेड होने वाली है ठीक है सो ये हो गया आपका फ़ीस के बारे में एंड बेसिकली अब यहाँ पर सेंटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर होने वाले हैं तो आप इसको देख सकते हैं बेसिकली जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर भी आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आएगी एंड वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा आपके जो भी तीन सेंटर्स होंगे तो वहाँ पर आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर पूरा का पूरा स्कीम है कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा टीयर वन में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है टीयर टू भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है टीयर थ्री जो है आपका पेन एंड पेपर मोड है डिस्क्रिप्टिव पेपर टीयर फोर जो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है एंड डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है ठीक तो so, जो आपका टीयर फोर है वो जिस भी जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल आपका एप्लीकेबल होगा उसी आपका पोस्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा बाकी के जितने भी हैं उनमें सब में नहीं होगा ठीक है तो वो डिपेंड करेगा टीयर फोर जो है वो वेरिएबल होगा वेरी करेगा कि किस तरह का आपका कौन सी वाली पोस्ट है सो so, यहाँ पर इस तरह से आपका कुछ जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाया जाने वाला है एंड मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉमोलाइज्ड बाई यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश बाई कमीशन तो यहाँ पर कई बार क्या रहता है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आपके डिफ़िकल्टी लेवल रहता है थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो भी होगा तो उस वजह से जो पूरा आपका पेपर का पैटर्न होगा वो आपका सेम आपका इक्वल हो जाएगा ठीक है so, सो इस तरह से ये होने वाला है एंड जब आपकी आंसर कीजिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में तो इस तरह से ये सारा का सारा कुछ लिखा हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है टीयर वन एंड टीयर टू में सो so यहाँ पर अगर हम टीयर वन की बात करें तो टीयर वन में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जनरल अवेयरनेस है क्वांट्स है इंग्लिश है ये सारा का सारा आपका टीयर वन में आएगा एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ईच होगा हर एक क्वेश्चन आपका टू मार्क्स का होगा तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका टू मार्क्स का पेपर एंड साथ में एक घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा एक घंटे में आपको टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा ठीक है तो इस तरह से आपका टीयर वन होगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टीयर टू के बारे में जो टीयर टू है वहाँ पर आएगा पेपर वन में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ इंग्लिश रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा जनरल स्टडीज में आपका फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स आएगा तो यहाँ पर आपके क्वांट्स के हंड्रेड क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के हंड्रेड क्वेश्चन टू हंड्रेड क्वेश्चन होंगे स्टैट्स के हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे एंड जीएस के आपके हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस आपका जो नंबर ऑफ पेपर का जो मार्क्स होने वाले हैं वो हो जाएंगे आपके टोटल एट हंड्रेड मार्क्स ठीक है तो टोटल एट हंड्रेड मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड ये जो होगा आपका दो घंटे का ईच पेपर होगा हर एक पेपर आपका दो दो घंटे का होगा ठीक है तो इस तरह से आपका ये होने वाला है एंड जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टू आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा तो इस तरह से आपका टीयर वन एंड टीयर टू है एंड टीयर वन एंड टीयर टू है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा एंड जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन होगा वो आपका सिर्फ इंग्लिश में ही आपको अवेलेबल होगा ठीक है टीयर वन जो है वहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग होगी पॉइंट फाइव जीरो मार्क्स की फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन एंड जो आपका टीयर टू होगा वहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग होगी पॉइंट टू फाइव मार्क्स की हर एक क्वेश्चन के लिए ठीक है पेपर टू में जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन होगा उसके लिए आपकी जो निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी पॉइंट टू फाइव की एंड जो आपकी पॉइंट फाइव जीरो मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी पेपर वन पेपर थ्री एंड पेपर फोर दैट मीन्स यानी कि आपका जो क्वांट्स है स्टैट्स है एंड जी एस है तो इसके लिए जो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी पॉइंट फाइव जीरो की एंड इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन के लिए आपकी जो निगेटिव मार्किंग होगी वो होगी पॉइंट टू फाइव की एंड जो आपका टीयर वन का एग्जाम होगा वहाँ पर सारी आपकी निगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी आपकी ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो मार्क्स की ठीक है इसके अलावा जो आपकी टीयर वन एंड टीयर टू है वो उसमें जो आपका पेपर टू वाला सेक्शन है वो सारी पोस्ट के लिए आपका है एंड जो आपका पेपर थ्री है ऑफ़ टीयर टू जो आपका टीयर टू का पेपर थ्री है दैट मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर वन जो टीयर वन में क्वालिफाई करेंगे जो टीयर टू का पेपर देंगे वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स वाले जो डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उनके लिए पेपर थ्री को सिर्फ देना होगा बाकी सभी लोग नहीं देंगे टीआर टू का जो फोर्थ पेपर है दैट मीन्स जो जनरल स्टडीज है फिनंस एंड इकोनॉमिक्स का वो सिर्फ वही वाले कैंडिडेट्स देंगे जो कि कैंडिडेट्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अपलिकेबल होंगे तो ये सारी की सारी पोस्ट के लिए आपको वैसे ही नहीं फॉर्म फिल करना है तो इस वजह से जो आपका टीआर टू का पेपर होगा वहाँ पर आपका क्वांट्स आएगा हंड्रेड क्वेश्चन का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहशन आएगा टू हंड्रेड क्वेश्चन का ठीक है एंड इसके बाद में होता है आपका रिटर्न टेस्ट रिटर्न मतलब होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश या फिर हिंदी में राइटिंग करनी होगी आपको एस की प्रेसी राइटिंग होगी लेटर राइटिंग होगी एप्लीकेशन होगी तो ये आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा एंड एक घंटे का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको लिखना होगा ठीक है तो ये हो गया आपका टीयर थ्री के बारे में ये आपका पूरा रिटर्न होगा आप हिंदी में ऑप्ट करें तो हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में ऑप्ट करेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे एंड यहाँ पर जो आपका टीयर फोर का है वो जो स्किल टेस्ट है वो कुछ ही कंडीशन में एप्लीकेबल है तो वो कौन कौन सी है वो ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ठीक है अभी यहाँ पर ये यह पूरा का पूरा आपके सामने सिलेबस है कि टीयर वन में जो आपका आने वाला है उसमें क्या क्या है ये पूरा आप सिलेबस देख सकते हैं फिर इसी तरह से यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है क्वांस है तो उसमें सब में क्या क्या आएगा इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है फिर जो आपका टीयर टू है तो उसके पेपर वन में क्या आएगा उसके पेपर टू में क्या आएगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा ताकि आप अपनी पूरी प्रॉपर तैयारी करके बहुत अच्छे से जाएँ वहाँ पर एंड बहुत ही अच्छा आप अपना पेपर करके आएँ ठीक है तो ये सारा का सारा आपका पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है एंड जो आपका स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट इन सारी कंडीशंस में करवाया जाएगा तो वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं बेसिकली जितनी भी पोस्ट मैंने बताई हैं उनमें ये सारा का सारा नहीं होने वाला है ठीक है देन कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट जो है वो भी आपका कुछ सिलेक्टेड पोस्ट में है तो वो भी आपका डिपेंड करेगा कि किस तरह की कि आपकी पोस्ट है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठीक है फिर ये पूरा का पूरा आपका लिखा हुआ है पूरा कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है एंड यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो आपके इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट जो होगा तो उसमें इनमें से कोई आपको अपना डॉक्यूमेंट लगाना होगा ये बेसिकली जो आपका ओरिजिनल वैलिड फोटो आई प्रूफ होगा तो उसमें आपका इसमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए ठीक है सो ये हो गया एंड यहाँ पर बाकी का कुछ लिखा हुआ है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए तो वहाँ पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए किस किस तरह से होने चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है एंड देन यहाँ पर जो है आपका जो तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली जिन जिन पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया था उनके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर फ़िजिकल स्टैंडर्ड्स फ़िजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये सारी की सारी कुछ आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि आपका डिटेल में लिखा हुआ है एन ये वाले में ठीक है तो जो आपका एन एक्च है तो वहाँ पर इसको पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से फ़िजिकल टेस्ट क्या क्या आपको बताना है क्या क्या वहाँ पर होगा तो वो अभी हम नीचे चल के डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये हो गया आपका कि क्या क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे एंड यहाँ पर ये सारे के सारे वही सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए जब आप फॉर्म को फिल करेंगे एंड जब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेके जाने होंगे ठीक है एंड बाकी जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं तो उसका भी आपको खास ख्याल रखना है एंड जो मोड ऑफ सिलेक्शन है बेसिकली जो टीयर वन है वहाँ पर टीयर वन है एंड जो टीयर टू है टीयर थ्री है तो उन सभी के लिए जो मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपका थर्टी परसेंट होना चाहिए ओ बी सी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ट्वेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए एंड जो बाकी की कैटेगरीज बच जाती हैं तो उनके लिए ट्वेंटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो ये आपका मिनिमम है बाकी हर एस एस सी का अलग अलग कट ऑफ़ आता है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी वैकेंसी है किस तरह का आपका एग्ज़ाम का लेवल था तो वो अलग अलग आपका डिपेंड करता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ रखा जाता है ठीक है तो ये हो गया एंड बेसिकली यहाँ पर वही सारा लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो वहाँ पर वो आराम से पढ़ सकते हैं इसमें आसेज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है देन यहाँ पर अभी हम मूव कर जाते हैं बिल्कुल नीचे एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में ठीक है एंड उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन इफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट कम्पलीटेड विद इन फोर्टीन डेज़ योर डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम सो आपको क्या करना है जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो 14 डेज के अंदर अंदर ही कर लीजिएगा मतलब ये मत सोचेगा कि आधा फॉर्म हमने अभी कर लिया फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आधा फॉर्म आप बाद में करें तो उस वजह से इस इसका वेट मत करिएगा आप पूरा फॉर्म एक साथ में भरेगा क्योंकि अगर फोर्टीन डेज से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो डेटा होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा ठीक तो है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपके सामने फॉर्म है कि फॉर्म में क्या क्या आपको फिल करना होगा आप इसको आराम से देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आएगा एंड ये पूरा का पूरा है कि किस किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है ये आपके तीन प्रोसीजर होंगे बेसिक स्टेप होगा बेसिक डिटेल्स होंगी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट तो ये आप आराम से जब आप फॉर्म करेंगे फिल तो आपको वहाँ पर सब कुछ लिख जाएगा ठीक है तो ये हो गया एंड यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पार्ट टू है तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ कुछ उतना है ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है फिर ये इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ आपके सामने फॉर्म आने वाला है तो जब आपको ये ब्रोचर आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड अभी हम मूव कर जाते हैं जो आपका एनएजियर पार्ट फिफ्टीन है वहां पर सो so यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज और एग्जामिनर प्रिवेंटिव ये सारा का सारा कुछ है आपका इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए नार्कोटिक्स ब्यूरो में तो ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए चेस्ट इतना होना चाहिए फुली एक्सपेंडेड विद विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ फाइव मीटर एंड हाइट जो है आपकी रिलैक्सीबल होगी फाइव सेंटीमीटर तक ये सारे जो होंगे उनके कंडीशन uh, में जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं ये सारी की सारी गोरखाज हैं आसामीज हैं गरवालीज हैं तो इस कंडीशन में आपका फाइव सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा जो आपकी वॉकिंग होगी वो सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स होनी चाहिए फिफ्टी मिनट्स में एंड साइकिलिंग आपकी एट किलोमीटर्स होनी चाहिए थर्टी मिनट्स में तो ये आपकी फ़िजिकल स्टैंडर्ड्स हैं नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए एंड यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट रहेगी वो वन फिफ्टी होगी वेट उनका फोटी एट होना चाहिए हाइट जो है इतनी रिलैक्सेबल होगी एंड ये आपका कुछ लिखा हुआ है जो आपके वही सारी जो ट्राइप्स हैं उनके लिए टू के का वेट का रिलैक्सेशन होगा एंड यहाँ पर वॉकिंग वन किलोमीटर इन ट्वेंटी मिनट्स एंड थ्री किलोमीटर्स की साइकिलिंग इन ट्वेंटी फाइव मिनट्स एंड यहाँ पर अभी हम आगे मूव कर जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी के लिए हाइट और रहने वाली है मेन्स के लिए इतनी है वुमेंस के लिए इतनी है एंड जो हाइट रिलेक्सीबल है इस कंडीशन में वो फाइव सेंटीमीटर का है चेस्ट आपका ये होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद में इतना सारा कुछ होना चाहिए एंड ये वाला जो है आपका फ़ीमेल के कंडीशन में कंसीडर uh, नहीं किया जाएगा ठीक है एंड जो विजन है वो आपका जो ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस किस तरह का आपका कितना आपका आई का विजन होना चाहिए उसके अलावा यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए जो आपके स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं हाइट है चेस्ट है एंड यहाँ पर विजन है तो ये सारा का सारा लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं तो ये सारा का सारा था कुछ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जिन भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे बेसिकली जो सी है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एंड नार्कोटिक्स ब्यूरो है तो उनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स से सभी के लिए अलग अलग है तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो उसी अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करिएगा ठीक है सो तो ये हो गया पूरा का पूरा नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक पॉइंट आपको बता दिया है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एंड जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो सभी के सभी अप्लाई ज़रूर से कर देंगे बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से इन सारी की सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई ज़रूर से कर देंगे ये जो आपको नोटिफिकेशन है एंड जिस लिंक से जाकर आपको अप्लाई करना है वो सारा का सारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर अवेलेबल हो जाएगा साथ में इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जा सकते हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे ठीक है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हमारा फेसबुक पेज है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहां से डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो वहां पर आपको सारे की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से कहाँ से जाकर आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ठीक है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि सभी को इनके बारे में पता चल सके एंड सारे के सारे कैंडिडेट्स इन सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर दें ठीक है एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे बेलैकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मे हेयर